गोरी कृष्णा पढ़े थे सबसे बराबर एक एक लाइन सुनता रहा। विश्व से मैं ये कह रहा था कि शायद आज की महफिल में कविता की शायरी की शिकायत नहीं है, जैसे कि आप खूब बोल से साथ तो देते हैं लेकिन शायरी के साथ जो कविता के साथ जो हरदोई वालों का इन्वॉल्वमेंट होता है वो मुझे नहीं लग रहा। अब मैं भी कोशिश करता हूँ कि हालांकि मैं कुछ भी सुना सकता हूँ आपको जैसा कई बार हो भी होता है, लेकिन मैं जागरण का पूरे कार्यक्रम है तो मैं जागरण के कार्यक्रम में बेईमानी की गुंजाइश पैदा करना नहीं चाहता। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें सुनाऊँ जो किसी तरीके से आप तक ना पहुँची हो और कुछ ऐसी भी हो जिसके लिटरेचर और साहित्य भी का नाम भी दिया जा सके। क्या इजाजत है आप? बहुत बढ़िया। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी मैं कोई शेर अगर हल्का फुल्का भी होगा तो वो हल्का फुल्का हो सकता है, हल्का नहीं होगा ये बात है। शुरू करता हूँ और यहीं से मुझे अंदाजा हो जाएगा कि मुझे किस रास्ते पर आगे बढ़ना। सुनिए क्या है कि आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, वो इजाजत तो तुझे हाथ लगा
दुनिया में सुनाई दे, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान
जमीन पर रख दो वो घटना का किनारा आपके पर कह रहा हूँ कि वो वह जमुना का किनारा वो वह जमुना का किनारा ये कोई शर्त नहीं मिट्टी मिट्टी की रखनी कहीं पर वो वह जमुना का किनारा ये कोई शर्त नहीं मिट्टी मिट्टी की कहीं पर बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। यारों कभी तुम लोग